ये शिव जी का टेम्पल है जो बीच रास्ते में आता है। पूरी धुंध है इधर भी, ऐसा होता है ऊपर जाकर। और सोच जोर जाए एवरेस्ट ऐसे में है नहीं, तगड़ा लगेगा। क्या सनसेट हो रहा है। तो भाई फाइनली घर से निकल चले हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं ऑफिस पे, क्योंकि स्कूटी मेरे पास ही थी और रास्ते में ही ऑफिस पड़ेगा तो स्कूटी वहाँ पे छोड़ेंगे। प्लान ये है अभी तक तो कि शेखर को एक मीटिंग है देहरादून में काम से रिलेटेड, इसके बिजनेस से रिलेटेड, पहले वो मीटिंग निपटाएंगे। उसके बाद में यदि टाइम बचता है, पैकिंग तो इस हिसाब से करके आए कि यदि टाइम बचता है तो सीधा मसूरी या लैंडोर वगैरह घूम जाएंगे। इन केस अगर हम लेट फ्री होते हैं तो फिर सीधा हम अपने घर ही आएंगे। तो भाई ऑफिस पे स्कूटी छोड़ दिया, निकल पड़े हैं। अब देखते हैं हमें देहरादून जाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और बाकी देखते हैं भाई वो बंदा कहाँ की लोकेशन भेजता है, देहरादून भी तो इतना बड़ा है ना भाई। बस एक बार हाईवे पर चढ़ जाएं, फिर तो ये है कि बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है, एक ही स्पीड में चलेंगे। और बस ये दुआ रहेगी कि भाई आज बारिश ना आए, मौसम तो बाकी पूरा बना हुआ है भाई बारिश वाला, पर दुआ हमारी यही रहेगी कि बारिश ना आए। थोड़ा राइड अच्छे से हो जाएगी अगर बारिश ना आई। राइड तो खैर हम बारिश में भी करेंगे, रुकेंगे तो है नहीं। नज़ारा बड़ा गजब है भाई सुबह सुबह का। सुबह सुबह राइड का मज़ा ही अलग है। जब निकुंज और मैं गए थे तब भी हम सुबह सुबह गए थे भाई, अलग ही मज़ा आया। जैसे ही 10-11 बजते हैं ना बस, फिर उस इतनी सुबह निकलो कि तुम्हें जहाँ पहुँचना है ना 10-11 बजे तक पहुँच जाओ, उतने ही टाइम पे ही राइड सही है। बाकी अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर तो चाहे तुम पूरे दिन राइड करो भाई, उसमें भी मज़ा है। बस यहाँ से एक छोटा सा कट लेंगे और सीधा चढ़ जाएंगे भाई मेरठ बाईपास पे। ये सीधा जाता है भाई रुड़की हरिद्वार, ये वाला बाईपास आ गया। मज़ा आ रहा है बाकी, पर एक चीज़ हो गई, जो मेरठ हाईवे है ना, ये हाईवे जैसा लगता ही नहीं है भाई अब। मतलब इस यहाँ पे तुम स्पीड से चला ही नहीं सकते। तो अभी एक देखा था एक डिवाइडर से कुत्ता था, उसकी स्कूटी में भी टक्कर मार दी एक ने। तो ये कभी कभी क्या ऑलमोस्ट होता ही है कि जो डिवाइडर दिख रहे हैं आपको, सड़क क्रॉसिंग के लिए बंदा कट यूज नहीं करेगा भाई, ना आगे से कट लेके आएगा, वो क्या करेगा इन पे से टपाएगा भाई। अब तो इन पे से टपा रहे हो, सामने वाले को क्या पता। और ये हाईवे है ना भाई, गाड़ी वगैरह तो भाई पूरी तेजी स्पीड से आती है भाई, टक्कर लग गई सुबह सुबह। स्कूल के बच्चे थे और भाई बिना हेलमेट के वैसे थे, ठीक ठाक चोट आ गई उसके भाई। ये चीज़ गलत है, ये जो टपाते रहो ऊपर से। तो भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे दिखा रहा था हरिद्वार रह गया 67 किलोमीटर। मैं जो मैप में देख रहा था वो रास्ता अलग था, जो शेखर ने बताया ये रास्ता अलग है। पता नहीं भाई यहाँ से कितना दिखा रहा है देहरादून, पचास किलोमीटर। हाँ 57-58 होगा यहाँ से, इतना ही है, वही ऑलमोस्ट वही 200 किलोमीटर है। चलो भाई बाकी मौसम बहुत मस्त है आज, मसूरी का भी मौसम अच्छा हो, इसका काम हो जाए भाई, जिस काम से आए हैं। टाइम से फ्री हो गए तो सीधा भाई मसूरी, लेट फ्री हुए तो भाई वापस घर। मैं तो कह रहा हूँ भाई काम अपना जल्दी से फ्री कर ले, बाकी मसूरी तो चली जाए कम से कम, जब यहाँ तक आए हैं भाई इतने दूर आए हैं। और मैं इससे कह के आया हूँ भाई मैं चलूँगा तभी तेरे साथ जब तू मेरे को घुमा के लाएगा मसूरी वगैरह। इतनी दूर आके भी अगर यहाँ से वापस आ जाओ तो फिर क्या फ़ायदा भाई। भाई गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह निकल गए थे भाई राइड पे, तुम्हें बताइए भाई अभी रुके हैं यहाँ पे सिर्फ नाश्ता करने के लिए। टाइम कितना हो रहा होगा शेखर, 8:30-9 हो रहे होंगे। बताना चाह रहे थे अभी तुम रुके थे यहाँ पे खाना खाने, क्या क्या बताना मुश्किल है। नहीं अभी तो क्या बता रहा था, क्या अंतर है यहाँ पे एक बार ये पढ़वा। देखो रुक जा इधर, अरे इधर दिखाना। हाँ दिखा रहा हूँ, दिखवा। सबसे पहले ना लिखा था आलू, हाँ लिखा था ना अनियन, हाँ फिर लिखा था, हाँ फिर लिखा था आलू प्याज। या तो साला प्याज ऊपर कर दो, आलू यहाँ प्याज लिख दो, या फिर अनियन नीचे कर दो, आलू अनियन कर दो, या फिर पटर। सुन एक काम कर, इनके पास जा अंदर और इन्हें सलाह दे, क्या बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर ले भाई। अब तो ऑर्डर का भी वैसे घंटे भी तो नहीं है ना, 9 बजे वाली।
बुलाया जा क्या भाई, दिन वाली घंटी भी तो नहीं है। सुबह राइड का एक फायदा है बस भाई, वो है कि धूप नहीं निकल रही आज, मौसम बढ़िया हो रहा है, राइड करने में क्या मजा आया भाई। बस भाई दुआ करता हूँ मेरा दोस्त मुझे मसूरी घुमा दे, अब तो घुमा जाएगा भाई। याली जो ट्रिप है ना, ये मेरा दोस्त स्पॉन्सर कर रहा है मेरे को क्योंकि ये अपने काम से आया। मैंने कहा भाई देख चलूंगा तब जब तू स्पॉन्सर करेगा, फ्री का खाओ फ्री का घूमो, उससे बढ़िया और क्या चाहिए। स्पॉन्सर कर रहा है ना याली ट्रिप, तो भाई तूने क्या क्या, मैं एक रुपया नहीं लाया रख के, इसलिए एक रुपया नहीं लाया ना मैं, कुछ भी नहीं लाया, कोई दिक्कत नहीं। मामा का स्टाफ था, मामा का नाम नहीं लेने का, मामा का नाम लेती तो ये भैंचो खींच खींच के हाथ लगता यार। बढ़िया लग रही है बस इनकी लोकेशन वैसा है नहीं शेखर, ऐसे बैठो भाई। हो गया भाई, अब निकल रहे हैं वापस, और बाइक अब चलाएगा शेखर, देखो ये भाई कैसा चलाता है, देख देख छोटे आराम से चलाइयो, आराम से चलाइयो, आराम से ठीक है, देहरादून तक ये चलाएगा, इसकी मीटिंग होने के बाद फिर मैं चलाऊंगा। भाई कितने टोल हैं, इसमें चौथा टोल आया ही अब, चलानी ना रही इसलिए बंद हो रही है, हमसे तो नहीं बंद। बारिश आ गई जिसके कारण रेनकोट पहनना पड़ रहा है। इतना टाइम लगा के दोनों ने रेनकोट पहना, भाई बारिश बंद हो गई, पोपट हो गया, अब यहाँ तो बारिश होनी चाहिए अच्छे से। पहाड़ों की राइड स्टार्ट हो चुकी है, पहाड़ आ चुके हैं भाई यहाँ से। जाम देख लो भाई, जाम, और हो सकता है जाम सैटरडे की वजह से हो। फाइनली फ्री हो चुके हैं जिस काम से आए थे उस काम से, अब यहाँ पे एक बार पेट्रोल पंप टैंक फुल करवाया है, और यहाँ से मसूरी रह गया लगभग 24 से 25 किलोमीटर दूर। मौसम हो रहा भाई एक नंबर, उस बंदे से पूछा हमने भाई मसूरी में वेदर कैसा हो रहा होगा, तो उसने कहा भाई हो सकता है तुम्हें ऐसा मिले कि रोड के पूरी फॉग में हो रही हो। भाई अब उसी चीज़ का इंतज़ार है कि बस रोड मस्त मिले, एकदम ऐसा मिले जैसे हम सोच के आए हैं कि फॉग फॉग रोड हो पूरा। बाकी चलते हैं, शेखर के फ़ोन में भी कम बैटरी है तो ट्राई करेंगे गोप्रो से जितना हो सकेगा उतना तुम्हें अच्छे से दिखाएंगे। ऑल सेट है, कैसा लगा शेखर वैसे अभी तक यहाँ पे आ गया? भाई बाकी वही बात मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूंगा, कम निकलो स्कूटियों पे, चलो 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 घर वाले भी देखते हैं, चलो चलो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मिलते हैं तुम्हें मोटर ब्लॉग में। भाई क्या मौसम हो रखा है, मजा आ रहा है पूरा, पहाड़ों पे आती तो भाई ऑटोमेटिक मजा आ जाता है, अब यहाँ से पूरा ये पहाड़ों वाली राइड सी स्टार्ट हो गई है। अब आएगा भाई इस बाइक का असली मजा जो अभी हमने एक महीने पहले लिया था, और भाई दिख रहा है अभी से ऊपर की तरफ ना पूरे बादल हो रखे हैं, तो नज़ारे बहुत अच्छे होने वाले हैं भाई, जुड़े रहना ब्लॉग में, वॉच करना ब्लॉग पूरा, तुम्हें नज़ारे दिखवाएंगे गजब गजब। मतलब ब्लॉग से क्या होता है कि यार हम जा रहे हैं ना घूमने तो हम आपको वो फील करवाना चाहते हैं एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। भाई आप घर पे बैठे हो, आप नहीं जा पा रहे हो, और आपको इस टाइम का वेदर देखना है कैसा हो रहा है, तो वो आप हमारे ब्लॉग के जरिए देख सकते हो ना, उस साइड पूरे में भाई क्लाउड ही क्लाउड है। भाई एक दिक्कत हो रही है बस, एक तो मेरे GoPro की बैटरी कम बची है, और यार क्या मौसम हो रहा है सच्ची में। भाई मैं मसूरी इतनी बार आ गया पर ऐसा नज़ारा नहीं मिला अभी तक, ऐसा फुल जैसे अभी मैं गया था अल्मोड़ा से ऊपर, पूरा वो रोड पे बादल बादल, ऊपर की साइड में वही चीज़ दिख रही है बिल्कुल, गजब की भाई गजब।
वाला गाना याद आ गया आज तो, गजब का है दिन गजब भाई वाके में पहाड़ों में आ गया, देख रहे हो ना मेरी खुशी पहाड़ों में आ गया तो भाई डबल है। हमें किधर चलना है शेखर भाई, कब आएंगे ऐसे दिन हमारे, सरकारें आएंगी जाएंगी पर अपने अच्छे दिन कब आएंगे। फोल पर रुकोगे क्या है? यहाँ क्या रुकेगा तू, क्या देखेगा इसमें? देख लिया, देख लिया कहाँ वैसे होगा। हाँ ले भाई आ गए मसूरी। किस चीज की पर्ची, किस चीज की पर्ची? आगे जाने का टैक्स 12 रुपए भाई। थोड़ी दूरी चले हैं और भाई क्या नजारा देखने को मिल रहा है, जो बीच में मंदिर मिलता है ना वहां का नजारा दिखाता हूँ। तो मैं अभी कैसा हो रखा ये देखो भाई, ये शिव जी का टेम्पल है जो बीच रास्ते में आता है, मतलब ऊपर हो सकता है भाई, अब तो मिलेगा बादल पक्का। तुमको व्यू दिखवाने के लिए रुके थे, बाकी ड्रीम चेजर चला के मजा आ रहा है पूरा। अब चलते हैं और ऊपर कहीं बढ़िया नज़ारा दिखेगा तो मैं वहाँ रोक के दोबारा दिखाएंगे। क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी, पूरा बादल है पता नहीं, देखो उधर देखो पूरा धुंध है पीछे, इस साइड देखो पूरी धुंध है पीछे। क्या मौसम मिला भाई, बंदा सही कह रहा था भाई तुमको क्लाउड मिलेगा रोड पे ऐसे नज़ारा गज, मतलब फोन से तुम वो एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते जो हम असल आंखों से देख रहे हैं। क्या नज़ारा रखा है दिखाते तुम्हें, ऊपर धुंध है पूरी पीछे तक धुंध है भाई, पूरी धुंध है इधर भी, और सोच जोर जाए एवरेस्ट ऐसे में है नहीं तगड़ा लगेगा जोर जाए। हाँ नज़ारे बहुत तगड़ा हो रहा भाई, पूरी धुंध है यार। वाली वीडियो बनानी है शेखर, भागते नहीं बनाते हो समझ रहा है तू, जो वो एक भागते वीडियो नहीं बनाते कोहरे के बीच पर अकेला जा रहा है एकदम ऐसे हॉस्पिटल में, अगर कुछ ऐसी खाली रोड मिली ना जहाँ पूरे पे क्लाउड हुआ पकड़ा आएगा। भूख लग रही थी बहुत तेज तो यहीं पर रुक गया कि हम तो थोड़ा सा मैगी वैगी खा लेंगे, और नज़ारा इतना प्यारा रखा भाई, बादल फुल बादल फुल एकदम, कुछ तो फायदा है मैं ऐसे मौसम में ना फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, अब मैं कभी ऐसे मौसम में आया नहीं इस साइड में कि भाई पूरा बादल हो रखा, मज़ा आ गया भाई एक नंबर, खाना सफल रहा। खाते हैं भाई जल्दी से खाते हैं फिर ऊपर के और तगड़े नज़ारे देखते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम टाइम से बैठे हुए ना बादल बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है भाई, देखो धुंध हो जाएगी धुंध हो जाएगी तो वही तो चाहिए, अरे सब दिख जाएगा ऐसे ही बनाना रहता है। ओ भाई क्या वेदर हो गया भाई, मैगी वैगी खा के निकल चले हैं, अब पता नहीं गोप्रो में कितनी बैटरी है, अभी तो बंदी दिखा रहा है भाई ये कि बिल्कुल ख़त्म है, पर नज़ारा एक नंबर हो रखा है भाई, मज़ा आ रहा है फुल। देखते हैं कब तक चलता है, बाकी भाई प्लान यही है जल्दी से अब मसूरी पहुँचते हैं, रूम लेते हैं सीधा जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ लगाते हैं भाई, थोड़ा फ़ोन वोन चार्ज कर लेंगे, इतने पावर बैंक घर पर रह गया, सबसे गंदी चीज़ हो गई हमारे साथ आज की कि हम पावर बैंक अपना घर भूल गए। फाइनली भाई मसूरी पहुंच चुके हैं, अब बस रूम ढूंढते हैं जल्दी से, बाकी चीज़ें चार्जिंग में लगाते हैं, आधा घंटा वेट करेंगे और फिर वापस निकलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। अब जिस होटल की तरफ जा रहा हूँ जो मेरे को पता है वहाँ पर बस रूम मिल जाए भाई, 100 रुपये दे के बाइक अंदर करी है, प्राइवेट नंबर 100 रुपये भाई बाइक अंदर लाने का माल रोड पर। कोई बात नहीं यहीं से एग्जिट लेंगे सीधा जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए, गांधी चौक से एंट्री ली है ना इस वजह से दिक्कत हो गई, माल रोड की साइड से लेते तो वहीं पार्किंग में लगा देते, वॉकिंग डिस्टेंस भी रूम ले लेते भाई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम आए और हमारे साथ में बसड़े ना हो, हमने रूम ले लिया है भाई,
सब कर लिया, चेक इन कर लिया और पता चल रहा है भाई यहाँ लाइट नहीं आ रही, कुछ दिक्कत हो रही है। शेखर क्या फ्रेश होने, अब देखते हैं भाई लाइट आएगी या क्या सीन है क्या रहेगा। दिमाग ख़राब है भाई, ना फ़ोन चार्ज है, ना GoPro चार्ज है, ना शेखर का फ़ोन चार्ज है, मतलब जहाँ हम वहाँ बसड़ हमारे साथ फिक्स है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हमें जॉर्ज एवरेस्ट भी जाना था, हम सोचे थे अभी निकल जाते जॉर्ज एवरेस्ट, मौसम बाकी बहुत सेक्सी हो रहा है भाई, देखो लाइट कब तक आती है, अब निकलते हैं नहीं निकलते जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। भाई फाइनली लाइट आ गई है, पता नहीं हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं। अभी हमने पूछा भाई इससे कि क्या हम जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, तो वो कह रहा भाई देखो जाओगे जाते जाते अंधेरा हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा, या तो कल जाना तुम सुबह सुबह, कह रहा बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो हम शेखर और मैं थोड़ा सा वैसे ही मार्केट जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, कुछ सामान चाहिए होगा तो वो ले आएंगे और आके मिलते हैं भाई तुमसे जल्दी, दिखाते हैं तुम्हें भाई क्या क्राउड व्राउड चल रहा है आजकल मसूरी में। थोड़ा सा चल गया भाई शेखर और मैं, दोनों सांस फूल गए भाई, बेकार है भाई सांस सांस चाहिए तेरे को सांस क्या चाहिए इधर का सांस वाली साले सीपीआर से मुझे नाटक करने वाला गिर जा भाई। लाइफ में कोई प्लान बनाए या ना बनाए तुम हमेशा रह जाओगे कि भाई ग्रुप लेके चले, चार जने पांच जने लेके चले यार दोस्त, उसमें से एक ना एक मना जरूर करेगा। ये चीज़ होती है तब तक जब तक सब फ्री रहते हैं, किसी की जॉब लगी किसी का बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर कोई तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सब अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। वाह तो शेखर और मैंने भाई डिसाइड करा तो शेखर और मैंने क्या डिसाइड करा था कि भाई इसको काम था, हमने कहा चल चलते हैं एक दिन घूम भी आएंगे, तो ऐसी रैंडम प्लान बनते हैं भाई। अब वो प्री प्लान वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि भाई पूरा ग्रुप इकट्ठा करना। भाई क्या सनसेट हो रहा है इधर, मजा आ जाता है वाले रूम में, पूरा इधर से व्यू है। तो भाई व्लॉग में बस इतना ही रहेगा, होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, और कमेंट सेक्शन में बताना क्या अच्छा था क्या बुरा था। फिर मिलते हैं जल्दी से एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।